बरसे, हरे रंग बरसे, भीगे चुनर वाली रंग बरसे। आप देख रहे हैं शिव टैंक। सबसे पहले तो शिव टैंक की पूरी टीम की तरफ से आप सभी को होली की शुभकामनाएं। जिस तरह से पिछले साल जो है वो लॉकडाउन रहा था, पूरा साल जो है लॉकडाउन के बाद और पहली होली आई है, और होली को लेकर किस तरह से लोग जो है वो एक्साइटमेंट है और होली मनाने के लिए किस तरह से आज हम मोती बाजार में आए हैं। देखते हैं यहाँ पे होली मनाने के लिए किस तरह की खरीदारी चल रही है। देख सकते हैं मेरे पीछे किस तरह से यहाँ पे दुकानदार ने अपनी दुकानें जो वो सजा ली हुई है, पिचकारी रखी हुई है, हर तरह के बच्चों के लिए जो है वो कार्टून वगैरह रखे हुए हैं जो भी होली पे यूज़ होते हैं, और कलर देख सकते हैं रंग बिरंगे कलर जो है वो भी यहाँ पे लगाए गए हैं, और बच्चों के खेलने के लिए मास्क और जो होली पे यूज़ होते हैं और जिनके मतलब बालों पे लगाने के लिए रंग बिरंगे यहाँ पे बिग बैग जो है वो भी लगाए हुए हैं। किस तरह से बाज़ारों में किस रौनक जो है वो बनी हुई है होली को लेकर, और बच्चे जो हैं वो भी ख़रीदारी करने के लिए यहाँ पे आए हुए हैं। देख सकते हैं इस वक्त हम मोती बाज़ार में मौजूद हैं और यहाँ की रौनक साफ तौर पे आप देख सकते हैं, लोग किस तरह से ख़रीदारी होली पे कहाँ पे करने आए हैं, और कहीं ना कहीं कोरोना वायरस भी चल रहा है उसके साथ साथ उसको लेकर होली मनाई जा रही है, लेकिन गाइडलाइंस के मुताबिक ही जो है वो होली मनाई जाएगी। लोगों से बात करते हैं उनका क्या कुछ कहना है। भाईजिल परम कौर, हम क्या कहना चाहते हैं इस बार होली पे? मैं सबको यही बोलना चाहती हूँ कि जिस हिसाब से कोरोना फिर से आ रहा है नहीं आ रहा है वो तो हमें पता नहीं है, पर फिर भी होली खेलो, सेफ खेलो, अपने घर पे खेलो, और दूर दूर से कलर फेंको, ये नहीं कि पास जाके खेलो, दूर दूर से कलर फेंको और जितनी मर्जी खेलो, बस यही बोलूंगी। जैसे पिछली बार होली आने से पहले, कोरोना आने से पहले जो वो होली हो गई थी उसके बाद होली, उसमें तो हम क्या पता, इसमें इतना एंजॉय करते, इस बार तो ये डर ही लगता है कि कलर लगाने से भी पास आके, पता नहीं, ये तो हम बोल नहीं सकते कि कोरोना है या नहीं है, मुझे लगता है सिर्फ ड्रामा ही हो रहा है, पर फिर भी हमें तो अपने प्रिंसिपल्स को फॉलो तो करना पड़ेगा। वैसे होली खेलते हो आप? हाँ, बहुत ज़्यादा पूरी हालत हो जाती है, शक्ल भी पहचानी नहीं जाती है। अब हमारे साथ कुछ छोटे छोटे बच्चे हैं, होली पे जो है बहुत खुश होते हैं, उनसे जानते हैं बच्चों से उनका क्या कुछ कहना। आपका नाम? धारेकोल। आप होली मना रहे हैं इस बार? यस। कैसा लगता है होली मनाते? अच्छा। कैसे मनाओगे? क्या लेने आए यहाँ पे? पिचकारी। पिचकारी? क्या करोगे पिचकारी के साथ? खेलेंगे। कैसे? क्या करते हैं पिचकारी के साथ? उसमें क्या डालते हैं? पानी रखते हैं। और क्या क्या करते हैं होली पे? रंग लगाते हैं। आप लगाओगे रंग? किसके लगाओगे? मज़ा आता है होली खेलने में? आपका नाम क्या? अजय बेटा, क्या नाम है? होली मनाते हो? कैसे मनाते हैं? खेलते हैं। क्या क्या लगाते हैं होली पे? रंग लगाते हैं। किसको लगाते हो? दोस्तों। हम किसके साथ आए? पापा के साथ। क्या लेने आए हो? पिचकारी। अच्छा, देख सकते हैं छोटे छोटे बच्चे भी जो है वो खरीदारी करने आए हैं अपने पापा के साथ, और यहाँ पे जैसे कलर ले रहे हैं रंग बिरंगे, पिचकारी ले रहे हैं, कहते हैं हम खेलेंगे पिचकारी के साथ। बच्चे कितने खुश हैं, कितने उत्साह, साफ तौर उनके चेहरों पे देख सकते हैं। कुछ और लोगों से भी जानते हैं उनका क्या कुछ कहना। सर, आपका नाम? रोहित जी। सर, क्या कहना चाहते हैं इस बार होली पे? मैं ये कहना चाहूँगा कि अब जो आप सेलिब्रेट कर रहे हैं होली, तो बिल्कुल प्रिकॉशंस के साथ करें, मास्क वगैरह लगाएं, और थोड़ा डिस्टेंस ही मेंटेन करें एज पर गवर्नमेंट SOPs। सर, क्या लगता है, मतलब जी सर हर साल होली मनाते हैं, इस साल भी वैसे ही होली मनाएगी, मतलब थोड़ी SOPs वो करके गाइडलाइंस को फॉलो करते हैं? हाँ, जैसे हर साल मनाते हैं वैसे ही मनाई जाएगी, बट थोड़ा सा ये है कि अपना वो करो, आप प्रिकॉशन वगैरह ले लो, तो बाकी हम यही कहेंगे कि जल्दी से जल्दी इस पेंडेमिक से ख़त्म हो जाए और लोग अपने कामों पे जाएं, और हैप्पी होली टू एवरीबॉडी। ख़रीदारी तो अभी है कि अभी बड़ा रश है, लोग ले रहे हैं सामान, कलर्स ले रहे हैं, पिचकारियाँ ले रहे हैं, तो लेट्स होप फॉर द बेटर। थैंक यू सर। देखा हमने आपको मोती बाजार के विजुअल दिखाए, और यहाँ पे किस तरह से दुकानदारी दुकान में जो है वो सजी हुई थी, और लोगों से भी हमने बात की, उनका ये कहना था कि इस बार होली जो है
वो हम मनाएंगे तो सही, लेकिन गाइडलाइंस के मुताबिक मनाएंगे। मास्क जो है वो लगा कर रखेंगे, दूरी जो है वो 2 गज की दूरी जो है बना के रहेंगे, उसके साथ ही जो है वो होली मनाएंगे। और होली के साथ साथ कोरोना वायरस चल रहा है, मैं ये कहना चाहती हूँ कि सबसे पहले होली मनाने के साथ साथ जो है वो कोरोना वायरस का भी ध्यान रखें, और तो और अपने गाइडलाइंस के मुताबिक जो है वो ही होली मनाई जाए, मास्क जो है प्रॉपर लगाया जाए। इसी अपडेट के साथ जुड़े रहिए, देखते रहे शिफ्ट न्यूज़। कैमरामैन अनमोल के साथ मुझे बल्कि सोनाली स्कोत्रा को दीजिए इजाज़त, धन्यवाद।